हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे लहसुन की खिचड़ी। घर पर अवेलेबल हो ऐसे बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हम इस हेल्दी खिचड़ी को बनाएंगे। जी हाँ, ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने हरे लहसुन का इस्तेमाल किया है, जिसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इस विंटर के सीज़न में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस खिचड़ी को बनाने के लिए हमने 2 कप बासमती चावल लिए हैं। रेगुलर घर में हम जो चावल इस्तेमाल करते हैं, आप वो चावल भी ले सकते हैं। तो 2 कप चावल के लिए हम यहाँ पर 1 कप मूंग की दाल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप मूँग की छिलके वाली दाल ली है। अब दाल और चावल को हम 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह धोकर 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। दाल और चावल को हमने भिगो कर रख दिया है, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर हरा लहसुन लिया है, तो हम इसे बारीक काट लेंगे, लेकिन इसके वाइट पोर्शन को और इसके पत्ते वाले भाग को हम अलग रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने लहसुन को बारीक काट लिया है और इसके दोनों पोर्शन हमने अलग कर लिए हैं। और अब हम इसे पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। और यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर में 6 कप पानी लिया है। पानी कितना ऐड करना है वो चावल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो हमने 2 कप चावल और 1 कप दाल के लिए 6 कप पानी लिया है, यानी कि चावल और दाल की डबल क्वांटिटी में हम पानी ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून तेल ऐड कर देंगे। साथ ही में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर इस पानी को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हमने जो दाल और चावल भिगो कर रखे हैं उसे इसमें ऐड कर देंगे। इसे एक बार चला लेंगे। अब प्रेशर कुकर को लिड से कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर खिचड़ी को 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। 1 प्रेशर आने तक हाई फ्लेम पर और लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे। लीड को खोल लेंगे और एक बार इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि खिचड़ी अच्छे से बन चुकी है। और अब हम इस खिचड़ी के लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए एक पैन में देसी घी ऐड करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे खिचड़ी में बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है और घी को मेल्ट होने देंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। तो अभी हम सिर्फ हरे लहसुन का वाइट पोर्शन ऐड कर रहे हैं। तो इसकी क्वांटिटी 1 कप जितनी थी, लेकिन खिचड़ी के लिए हम सिर्फ 1/2 कप लहसुन ऐड करेंगे। और इसे घी में तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। तो 30 से 35 सेकंड तक घी में लहसुन को फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 1 बड़ी साइज़ की प्याज को स्लाइसिस में कट कर लिया है। साथ ही में हमने यहाँ पर 5 छोटी हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। अगर आपको खिचड़ी थोड़ी सी स्पाइसी रखनी है तो आप छोटी हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दें। अब हम प्याज को घी में तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए, आप यहाँ पर लहसुन के साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को गोल्डन होने तक हमने फ्राई कर लिया और अब हमने लहसुन का जो बाकी का पोर्शन रखा हुआ है उसे ऐड कर देंगे। तो इसकी क्वांटिटी 1.5 कप जितनी है। तो खिचड़ी में हमने हरे लहसुन के वाइट पोर्शन की 1/2 कप जितनी क्वांटिटी ली और इसके ग्रीन पोर्शन की 1.5 कप जितनी क्वांटिटी ली है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लहसुन की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
इसे हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे यहाँ पर घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें घी और ऐड कर रही हूँ। और लहसुन का ग्रीन पोर्शन ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हरे लहसुन के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। वैसे भी ये आपको इस सीज़न में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, तो आप इस हेल्दी और टेस्टी खिचड़ी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी का तड़का भी तैयार है। अब हमने खिचड़ी के लिए जो तड़का तैयार किया है इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे खिचड़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने खिचड़ी के साथ तड़के को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे, तो इसके सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे। और सेंटर में हमने जो जगह बनाई है वहाँ पर हम गरम कोयला रखेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेंटर में रख देंगे और इस पर हम तुरंत 1 टीस्पून तेल ऐड कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रखेंगे। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया। अब इसके सेंटर में से कोयला निकाल लेंगे और इस हेल्दी और टेस्टी गर्मा गर्म लहसुन की खिचड़ी को सर्व कर लेंगे। तो खाने के लिए तैयार है आसानी से झटपट बनी हुई हेल्दी और टेस्टी हरे लहसुन की खिचड़ी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आसान यूनिक और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।